तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, तत्काल न्यूज में मैं अब्दुल शेख आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप सभी जानते हैं कि इस वक्त कोरोना की जो महामारी है बहुत शिद्दत से बुरी तरह फैली हुई है। पेशेंट दिन पर दिन लगातार बढ़ते जा रहे हैं और मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। आइए हम जानते हैं, अभी इस वक्त हम खड़े हैं नागपुर के गोलीबार चौक में। नागपुर के गोलीबार चौक में जो मोमिनपुरा की तरफ रास्ता जाता है, यहाँ पर बैरिकेड लगाकर पूरा सील कर दिया गया है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन का सख्त बंदोबस्त है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भी बाइक वाला या गाड़ी वाला यहाँ पर जाता है तो उसे पहले रोक दिया जाता है और उससे कारण पूछा जाता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस वजह से बाहर निकले हैं। पुलिस की इस मुस्तैदी को देखते हुए हमें यह अंदाज़ा लग रहा है कि यहाँ पर जो पब्लिक खड़े रहती थी, जो इधर उधर लोग खड़े रहते थे, और पुलिस प्रशासन की जब यहाँ पर टीम आई है कल से यहाँ पर जो सख्ती वापर रहे हैं, तो आज देखिए कि यहाँ पर लोग कहीं कोई नज़र नहीं आ रहे हैं। इस महामारी में दो ही योद्धा ऐसे थे, पहले एक डॉक्टर और दूसरे पुलिस के जवान। ये दोनों भी अपने परिवार को छोड़ के, अपना घरदार छोड़ के, इतनी सख्त धूप में, इतनी तेज़ धूप में ये यहाँ पर अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। इनका भी परिवार है, इनका भी अपना, इनके अपने बच्चे हैं, जो उनकी परवाह, उनकी फिक्र ना करते हुए यहाँ पर लोगों के लिए ये इतनी तेज़ धूप में जो खड़े हैं अपनी ड्यूटी करते हुए, और यहाँ पर जो भी लोग आ रहे हैं उनको रोका जा रहा है, चेक किया जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है कि आप कहाँ जा रहे हो, बिना वजह तो आप कहीं घूम नहीं रहे हो। आजकल लोग इस गाइडलाइन का भी सही से पालन नहीं कर पा रहे हैं और इस महामारी में इन्हें ये भी डर नहीं है कि कोरोना की महामारी इतनी फैल चुकी है और हम बिना वजह, बिना काम के घर से बाहर ना निकले। और जब तक यहाँ पर पुलिस फोर्स नहीं थी तो लोगों के कमेंट आते थे कि यहाँ पर पुलिस नहीं है, यहाँ पर लोग खड़े हैं। और जब यहाँ पर पुलिस फोर्स आई है और कल से जब इन्होंने मतलब सख्ती स्टार्ट किया है, तो आइए जानते हैं कि इनको पब्लिक से क्या क्या मतलब सामना करना पड़ा है। जय हिंद मैडम। मैडम, जो आप सामने यहाँ पर जो बैरिकेड लगा के जो चेकिंग कर रहे हैं, तो ये चेकिंग सिर्फ मतलब गाड़ियों के कागजात के लिए है? ये जो समझना 144 की धारा लगी हुई है, इसमें लोग जो बिना काम के घूम रहे हैं ये उनके लिए भी है? और यहाँ पर कोई इमरजेंसी के लिए समझना क्या गाइडलाइन है आपके तरफ से मैडम? यहाँ पे था केवल हम जो इमरजेंसी है, हॉस्पिटल, किसी को मेडिकल जाना है, उन्हीं लोगों को हम जाने दे रहे हैं। हाँ, जो बिना काम के रास्ते पे घूम रहे हैं। हाँ जी। उनको हम यहाँ से मना कर रहे हैं कि आप बाहर, घर से बाहर निकलो। हाँ। और जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी उनका फॉलो करो। हाँ मैडम। और जैसा कि यहाँ पर आपको परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा होगा, बहुत से लोग जैसा मानने को तैयार नहीं है और बिना वजह मतलब घूम रहे, बहाना कर रहे, तो क्या ऐसे लोगों के ऊपर पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई होगी क्या? हाँ, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। जो बिना काम के घर से बाहर निकले उनके ऊपर हमारी तरफ से कार्रवाई की जा रही है। हाँ मैडम, मतलब कार्रवाई में आप मतलब कौन सी कलम लगा रहे हैं उनके ऊपर? जो बिना मास्क फिर घूम रहे उनके ऊपर बिना मास्क, नो मास्क का चालन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है और 188 के तहत भी उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। जी मैडम, अभी आप जैसे कि हम देख रहे हैं, हम लगातार बता रहे हैं लोगों को भी कि देखो ये भी एक योद्धा है। आज महामारी के वक्त पिछले साल भी दो ही योद्धा ऐसे थे, एक डॉक्टर की टीम और दूसरी पुलिस की टीम। ये दोनों भी योद्धा अपनी परवाह किए बिना अपने परिवार को यहाँ पर छोड़कर जो तपती हुई धूप में खड़े हैं, तो ये कोई शौक से नहीं खड़े है। हम बताएंगे आपको कि यहाँ पर देखिए, ये मैडम है, मैडम आपका नाम? पी एस ए पुरी मैडम है। और यहाँ पर देखो पूरी इनकी टीम के साथ में, यहाँ पर पूरी टीम इनकी यहाँ पर है और इन्हें कोई शौक नहीं है कि इतनी तपती हुई धूप में यहाँ पर मतलब खड़े रहने का। ये सिर्फ और सिर्फ ये हमारे लिए खड़े हैं, ये पब्लिक की सेफ्टी के लिए खड़े हैं। तो मैं पब्लिक से हाथ जोड़ के विनंती करता हूँ कि पुलिस फोर्स का पूरी तरह साथ दे, उनको सहयोग दे, ना कि उनसे किसी बारे में कोई बहस करे, ना ही कोई उलझन नहीं पैदा करे कि जिसके कारण मजबूर होके इन्हें आपके ऊपर कोई एक्शन लेना पड़े। मैं तत्काल न्यूज़ से अब्दुल शेख
नागपुर गोलीबार चौक,